अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। माय नेम इज सर अवैस फ्रॉम अमेरिकन इस्लामिक स्कूल। लेट्स स्टार्ट नाउ क्लास 5। आज हमारे पास सेकंड यूनिट, यूनिट नंबर 2, उसकी एक्सरसाइज 2.A, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास ये स्टेटमेंट लिखी हुई है। लिखा हुआ है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4। उन्होंने कहा है कि जो नंबर्स आपके पास नीचे लिखे होंगे, उन नंबर्स को आपने किसके ऊपर डिवाइड करना है? 4 के ऊपर डिवाइड करना है। ठीक है, अब ये मैंने एक क्वेश्चन आपके पास ये लिखा हुआ है 1996, इसको भी हमने किसके साथ डिवाइड करना है? 4 के साथ डिवाइड करना है। इन केस अगर इधर लिखा आ जाता है डिविजिबल बाय 7, तो मतलब क्या होगा कि इस पूरी रकम को आपने किसके साथ डिवाइड करना है? 7 के साथ डिवाइड करना है। ठीक है, अब इसको डिवाइड करने का तरीका 1996, जो बड़ी वैल्यूज होगी उसको हम अंदर लिखेंगे, और जिस पर डिवाइड करना है उसको हम क्या करेंगे? बाहर लिखेंगे। ठीक है, अब 4 को हमने डिवाइड करना है 1996 के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले 4 का टेबल स्टार्ट करते हैं। 1, ये तो आपके पास एक छोटा डिजिट्स है, और बाहर आपके पास क्या है? बड़ा डिजिट्स है। डिवाइड करने का तरीका स्टूडेंट, सबसे पहले आपने एक चीज ज़हन में रखनी है इसके अंदर, कि जो सबसे पहले स्टार्टिंग पे पहली वैल्यूज है, ठीक है, वो आपके पास बाहर वाली वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए। अगर वो छोटी वैल्यूज होगी तो आप उसके साथ एक और वैल्यूज को साथ इंक्लूड कर दोगे। मतलब ये 1 अब छोटा डिजिट्स है तो 4 बड़ा है, तो इसका मतलब हम 9 भी इसके साथ क्या कर देंगे? इंक्लूड कर देंगे, तो ये टोटल बन जाएगा 19। अब 4 का टेबल हमने पढ़ना है, या तो पूरा पूरा 19 आ जाए या उसके करीब तरीन कोई भी वैल्यूज आ जाए। अब 4 का टेबल पढ़ते हैं, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है 16। ये इसके करीब तरीन वैल्यूज आ जाएगी 16। अगर 4 को 5 से करेंगे वो 20 हो जाएगा, 20 19 से क्या है? अबव वैल्यूज है। ठीक है, 9 में से 6 को माइनस करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 3। 1 में से 1 0, 0 इधर आप मेंशन कर भी सकते हैं, ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब ये 3 छोटा डिजिट्स है और ये 4 क्या है? बड़ा डिजिट्स है। फिर हम क्या करेंगे? उससे आगे नेक्स्ट जो वैल्यूज होगी उसको भी इसके साथ क्या कर देंगे? इंक्लूड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? 39। अब 4 का टेबल हमें स्टार्ट करना है, या तो पूरा 39 आ जाए या इसके करीब तरीन कोई वैल्यूज आ जाए। अब 4 का टेबल है, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 36। क्यों? क्योंकि 4 को आगे 10 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 40 आ जाएगा, जो इससे अबव वैल्यूज कंसीडर की जाएगी, जो इधर मेंशन नहीं करेंगे। अब फिर 9 में से 6 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। अब ये 3 फिर छोटा डिजिट है, इसको ये बाय बड़ा डिजिट है, तो इसको क्या करेंगे? 6 को भी साथ इसके साथ इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, अब ये 36 आ गया। अब हमें देखना है कि या तो ये पूरा पूरा डिवाइड करना है, तो 4 को फिर किसके साथ करेंगे? 9 के साथ करेंगे, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? 36 आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट आपके पास है क्वेश्चन के अंदर, किसी भी नंबर्स को डिविजिबल बाय 4, मतलब इस वैल्यूज को 4 के साथ आपने क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया है। स्टूडेंट इसका ए पार्ट मैंने आपको सॉल्व करके दिया है, इसका बी और सी पार्ट आगे जितने पार्ट्स होंगे वो आपने खुद इसी ही मेथड से इसको सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 वो मैं आपको डिस्कशन करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, जिसका ए पार्ट लिखा हुआ है। अब यदि क्वेश्चन उसी तरीके से ही है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। पहले हमने डिवाइड किया था 4 के साथ, अब हम डिवाइड करेंगे 6 के साथ। लिखने का तरीका इसको लिखेंगे उसी तरीके से 8622 डिवाइडेड बाय 6। इसका मतलब हमने इस पूरी वैल्यू को किसके साथ डिवाइड करना है? 6 के साथ डिवाइड करना है। अब उसी तरीके से डिवाइड करते हैं, बड़ी वैल्यूज को हम अंदर रखेंगे 8622 और डिवाइड कर देंगे किसके ऊपर? 6 के ऊपर। ठीक है, अब 6 को डिवाइड करना है इस पूरी वैल्यूज के साथ। अभी मैंने आपको बताया था कि पहला जो आपके पास डिजिट्स होगा वो क्या होना चाहिए? बाई वाली वैल्यू से बड़ा होना चाहिए। अब देखो 8 6 से क्या है? बड़ा है, तो हम इसको इसके ऊपर ही डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे। 6 1 6, 8 में से 6 निकालेंगे, आंसर आपके पास आ जाएगा 2। अब यह छोटा डिजिट हो गया 6 से, तो क्या करेंगे? 6 को भी नीचे इसके साथ इंक्लूड कर देंगे। अब 6 का टेबल आपने पढ़ना है, या तो पूरा पूरा 26 आ जाएगा, इसके करीब तरीन कोई वैल्यूज आ जाएगी। अब वो कौन सा आपके पास? 6 4 24। ठीक है, क्योंकि 6 5 4 30 हो जाएगा, वो 26 से बड़ी वैल्यूज कंसिडर की जाएगी, इस वजह से क्या करेंगे? 6 को 4 के साथ मेंशन कर देते हैं, तो 6 को 4 से करेंगे, आंसर आ जाएगा 24। अब 6 में से 4 निकालेंगे, आंसर
टू, ये टू को क्या करेंगे उसी तरीके से नीचे उतार लेंगे। अब सिक्स का टेबल पढ़ना है या तो पूरा पूरा 22 आ जाए या इसके करीब 3 को जाने चाहते हैं, तो वो क्या होगा, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 18। अब 2 में से 8 नहीं निकलते तो क्या करेंगे, इधर से 1 कैरी करेंगे। अब इधर से क्या करेंगे, इधर 1 कैरी ले लेंगे। अब ये 12 हो जाएगा, 12 में से 8 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या देगा, 4, ठीक है। और ये 2 को क्या करेंगे, नीचे वैसे ही मेंशन कर देंगे, ठीक है। अब 6 का टेबल हमने पढ़ना है, यहां तो पूरा 42 आ जाएगा, इसके करीब 3 को ही वैल्यूज आ जाएगी, तो 6 का टेबल अगर 7 तक पढ़ेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 42। तो ये पूरा पूरा आपके पास क्या हो जाएगा, इसके साथ है ये डिवाइड हो जाएगा, तो जो आपके पास आंसर आएगा 8622 डिवाइडेड बाय 6 का आंसर हो जाएगा 1, 4, 3 और 7। इसका मतलब है इस वैल्यूज को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देन ये पूरी पूरी वैल्यूज हमारे पास क्या हो जाएगी, डिवाइड होगी, जो कि हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी। तो स्टूडेंट इसका भी आगे बी और सी आगे जितने भी पार्ट्स होंगे इसको भी आपने इसी तरीके से ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट टाइम कल डिस्कशंस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।